नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अग्निपथ योजना के खिलाफ 13 राज्यों में प्रदर्शन चल रहा है। सबसे हिंसक तस्वीरें बिहार और यूपी से आ रही हैं। इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो कई बातें नोटिस करने वाली हैं। कल और आज आई तस्वीरों में नकाबपोशों की संख्या बढ़ गई। जो प्रदर्शनकारी पत्थर चला रहे हैं उनकी उम्र ज्यादा है। कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं कि जिनमें 12 साल के बच्चे पथराव और आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक वीडियो सामने आया जिसमें औरंगाबाद के एक नामी स्कूल में उस वक्त पत्थरबाजी हुई जब अंदर 1500 बच्चे मौजूद थे। जिन स्कूल बसों में बच्चे बैठे हैं वो तोड़ी जा रही हैं। सेना की नौकरी स्कूलों से क्या वास्ता, ट्रेन और बसों से क्या वास्ता, ये बड़े सवाल हैं। आज मुकाबला में हम वीडियो की डिटेल्स को तो डिस्कस करेंगे ही, ये सवाल भी पूछेंगे कि नॉनस्टॉप हाहाकार का ठेकेदार कौन है। जो राजनीतिक दल खुलकर प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे हैं वो क्या रोल निभा रहे हैं। इधर इस खबर पर भी एक अपडेट है। अब रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। रक्षा मंत्रालय में यानी 10% सीट अग्निवीरों के लिए रिजर्व होंगी। कोस्ट गार्ड और सिविल डिफेंस में भी 10% कोटा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोटा रिजर्व करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो आइए शुरू करते हैं मुकाबला में ये बड़ी बहस और आपको चर्चा करेंगे, तमाम मेहमानों से तारुफ भी कराएंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं और ये तस्वीरें ये सवाल खड़े करती हैं कि आखिर इस उपद्रव के पीछे कौन है। ये छात्रों की आड़ में कौन लोग हैं जो देश में हिंसक प्रदर्शन करने पर आमदा हो गए हैं, जो कि स्कूल पर भी पत्थर बरसा रहे हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर किसी स्कीम से आपको विरोध है, अगर आप उस पर सहमत नहीं हैं, तो आप शांति से प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हिंसक होकर प्रदर्शन करने का ये कौन सा तरीका अख्तियार किया जा रहा है, ये तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं शहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री बिहार। इसके साथ ही साथ हमारे साथ राजीव रंजन हैं, जेडीयू नेता। इसके अलावा आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस। इसके साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। इसके साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं रिटायर्ड वाइस एडमिरल सुनील आनंद, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले शहनवाज हुसैन साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। ये सब कुछ जो हो रहा है देश में, ये क्यों हो रहा है? 3 दिन बीत गए लेकिन अभी तक इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, पूरा देश जल रहा है, किसकी जिम्मेदारी? देखिए, जो अग्निपथ योजना है, जो अग्निवीर हैं वो नौजवानों के हित में है, इसके बारे में गलतफहमियां पैदा की गई और हो सकता है कि कुछ गलतफहमी हो भी गई हो, लेकिन पहले दिन से ये क्लियर किया गया कि जो भी इसके अंदर अग्निवीर बनेंगे उनके लिए ये एक तरह से ऐसा ब्रिज कोर्स होगा कि उससे उनकी नींव बनेगी और वो फौज में भी जाएंगे, वो CPMF में भी जाएंगे। वो जो आज तो राजनाथ जी ने अनाउंस किया कि जो हमारे डिफेंस के 16 सेक्टर हैं उसमें भी उनको स्थान दिया जाएगा। जो लोग ये समझ रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे कोरोना काल में, कि उनके 2 साल जो कोरोना की वजह से लेप्स हुए और वो उम्र उनकी बीत गई, उसको भी सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि वो 21 से 23 में अब 21 का ही माना जाएगा। तो मुझे लगता है गलतफहमी अगर नौजवानों में है तो वो दूर हो जानी चाहिए। लेकिन ये सही है कि हमारे यहाँ बिहार में, यूपी में और ख़ासकर नॉर्थ के राज में, पूरे देश में ही नौजवान सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन वो देश की सेवा के साथ साथ अपने जॉब को सिक्योर भी करना चाहते हैं। ठीक, तो इसमें गलतफहमी कहाँ है? सेना में जो भर्ती है उसको कम नहीं किया जाएगा, बल्कि उसमें और उसको मजबूत करने में सरकार लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से इसमें पत्थरबाजी हो रही, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, बसों को जलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों के अलावा कुछ अलग तरह के लोग उसमें शामिल होके जो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, ठीक, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने अपने तौर पे ये कोशिश की है कि लोगों को ये मालूम हो कि ये नौजवानों के हित में, ये जवान के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि गलतफहमी हो गई है, ये गलतफहमी दूर कैसे होगी? 3 दिन बीत चुके हैं, हाल आप देख रहे हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, ये गलतफहमी दूर करने की जिम्मेदारी है किस पर?
नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है और सब उस जिम्मेदारी को सरकार निभाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज ही जो निर्णय हुआ कि जो डिफेंस सेक्टर में भी जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर भी इनको प्राथमिकता दी जाएगी 10%, तो मुझे लगता है कि आज के बाद वो सारी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। ठीक है शहनवाज हुसैन साहब, हम भी ये चाहेंगे कि गलतफहमी दूर हो जाए और विरोध करने का एक सही तरीका इस देश में निकाला जाए, क्योंकि फिलहाल तो तस्वीरें बहुत भयावह सामने आ रही हैं। आलोक शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये सब कुछ जो देश में हो रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर बरगलाया जा रहा है, इशारों इशारों में विपक्ष पर भी हमला बोला जा रहा है, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? क्या यही तरीका है विरोध करने का देश में? देखिए, मैं समझता हूं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। किसी भी रूप में किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कौन है, ये तो जो सत्ता में बैठे हैं वो बेहतर बता सकते हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बता सकती हैं, ये विपक्ष तो नहीं बता सकता कि कौन लोग हैं वो, क्योंकि पीछे भी नहीं है। अभी एक हफ्ते पहले जब शुक्रवार को दंगे हुए देश भर में, उस समय एक मंत्री महोदय ने कहा पाकिस्तान का हाथ है, फिर वो अपने गांव चले गए। उससे पहले भी जब हाथरस में तमाम चीजें हुई तो कहा गया कि 100 करोड़ रुपए आए हैं, फिर PFI का भी नाम आया, फिर उसके बाद कहीं कोई जांच नहीं थी। तो कब से कब कहां किसका हाथ है, पाकिस्तान का हाथ हो जाता है, कब किसका हाथ हो जाता है, विपक्ष का भी हो सकता है, पंडित नेहरू का भी हाथ हो सकता है, ये तो सत्ता पक्ष तय करे ना। लेकिन हाथ जोड़कर हम अपील करना चाहेंगे युवाओं से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि आप किसी भी तरह की हिंसा का सहारा ना लें। अब आते हैं जो शहनवाज भाई ने, मेरे बड़े भाई हैं, जो तमाम मुद्दे उठाए। 65 लाख पद खाली हैं, 46 हजार की बात हुई और 35 हजार जो हैं वो केवल पद भरे जाएंगे और 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। भाई, आपने ये जो पूरा फरमान जारी किया है, क्या कोई कमेटी बनाई थी शहनवाज भाई? क्या उस कमेटी में किसी ने डिस्कशन किया था? क्या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास ये मैटर गया था? क्या उससे अलावा कोई एक्सपर्ट्स की कमेटी आपने बनाई थी? क्या कोई पायलट प्रोजेक्ट किया था? क्या कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ था? क्या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट था? किसी की कोई डिफेंस की रिपोर्ट आई थी? केवल एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो गया। सारिका पासवान जी भी हमारे साथ हैं, पहले ओपनिंग कमेंट ले लेती हूं आरजेडी से। सारिका पासवान जी, बिहार में सब कुछ हो रहा है, बंद का आह्वान किया जाता है और आपकी पार्टी बंद के आह्वान को समर्थन देती है, लेकिन उस बंद के आड़ में बिहार में क्या हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? देखिए, पूरे देश में जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अगर कोई व्यक्ति है तो वो केंद्र सरकार है। पिछले 8 सालों में आप देख लीजिए, 2014 के बाद से पूरे देश में जो भी हो रहा है वो कभी भी सरकार जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है। हालांकि उससे पहले जब भी देश में कुछ होता था उसके लिए वर्तमान सरकार ही जिम्मेदार होती थी, लेकिन अब 2014 के बाद ट्रेंड बदला है। अब अगर देश में कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऑपोजिशन जिम्मेदार है। मैं मानती हूं और पूरा देश मानता है कि अभी अगर पूरा देश जल रहा है तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज युवक जो है वो सड़कों पे हैं और इस तरह के प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। मैं मानती हूँ मैं गलत तरीके से प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ हूँ और हम बार बार अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकारी वाहनों को, रेल को और आप दफ्तरों को आग के हवाले ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें। ये संविधान में अधिकार है आपको प्रोटेस्ट करने का, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न उठता है प्राची जी, कि जहां देश के प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे मसलों पे बाहर निकल के आगे ट्वीट कर देते हैं, मुबारकबाद दे देते हैं, आज इतना बड़ा मसला, जबकि पूरे देश का युवक जो आज सड़कों पे है, आज प्रधानमंत्री जी उनके लिए एक बोल भी नहीं बोल पा रहे हैं। मन की बात कर लिए होते कम से कम, क्यों आज वो चुप है, मौन है, क्यों मौका दे रहे हैं उनको कि इस तरह से वो उपद्रव पूरे देश में मचा रहे हैं? एक बार तो कम से कम वार्तालाप का कोई तो एक कड़ी जोड़ते वो उनके साथ, तो मुझे लगता है कि शायद आज हालात इतने बुरे नहीं दिखते जितने आज पूरे देश में हालात खराब है। लेकिन सारिका जी, एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका तो विपक्ष को भी निभानी होगी, समर्थन दिया था बंद का, लेकिन उस बंद के आड़ में क्या हो रहा है बिहार में हम ये सब देख रहे हैं। खैर, इस पर हम पॉलिटिकल चर्चा करेंगे और शहनवाज हुसैन साहब से सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप सभी साथियों ने सवाल शहनवाज हुसैन साहब से पूछे हैं, लेकिन चूंकि डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है उनसे सवाल लेती हूं मैं। सुनील आनंद जी, आप मुझे बताइए, जो बातें अभी आलोक शर्मा पॉइंट आउट कर रहे थे कि कोई कमेटी नहीं बनाई गई, चर्चा नहीं की गई, ये जो फैसला है ये ऐसे ही आनंद फानंद में ले लिया गया, आपको क्या कोई लूपहोल्स नजर आते हैं जिसका नतीजा हमें सड़कों पर नजर आता है? मैं देखो, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो स्कीम लॉन्च हुई है, गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले ही लॉन्च की है, दिस इज अ वेरी गुड स्कीम, ये बहुत अच्छी स्कीम है।
ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट, यानी कि कल सोची हुई थी और आज इम्प्लीमेंट हुई है. दिस ये वाली कम से कम 2-2.5 साल से ये इसको डिबेट किया गया, डिस्कस किया गया और उसको उसके वो कहते हैं ना उसको ठोक बजा कर पूरा देखा गया, हर लिहाज से देखा गया कि कहाँ कोई. और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट यही था, हमारा एक इंटरेस्ट है कि हमारी फौज शुड बी यंग एंड रेडी फाइटिंग फोर्स अवेलेबल विद अस. कारगिल रिपोर्ट जो वो भी एक रिकमेंडेशन उसमें था कि हमारी फौज की उम्र एवरेजली 32 साल के करीब है और इसको कम होना चाहिए. तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए, सर्विस के इंटरेस्ट को देखते हुए, हमारी फौज को यंग बनाने के रखते हुए ये वाला कदम उठाया गया. और इस बहाने हमने बोला ये अग्निपथ स्कीम का इंट्रोडक्शन हुआ है. इससे 17 से 21 साल के बीच में जवानों को लिया जाएगा 4 साल के लिए और इससे 32 साल से उम्र 25 साल की एवरेज आ जाएगी. सो वी विल हमारे लीन और यंग हमारी फौज बन जाएगी, रेडी फॉर ऑल रिस्पेक्ट. ऊपर से इस फौज इस स्कीम के एडवांटेजेस इतने हैं सभी के लिए कि 25% कंटिन्यू भी होंगे और जो नहीं भी है उनके लिए भी एडवांटेजेस बहुत हैं. तो मुझको ऐसा लगता है कि ये स्कीम बदलाव की स्कीम है, ये स्कीम हमारी फौज को यंग बनाने की और रेडी करने की स्कीम है एंड आई फाइंड ऑल द एडवांटेजेस इन इट. ठीक है, आप इसे बता रहे हैं कि ये स्कीम बहुत अच्छी है. अब जनरल शंकर प्रसाद जी, आप मुझे समझाइए, जैसा कि अभी कह रहे थे सुनील आनंद साहब कि इस स्कीम से एक यूथफुल हमारी सेना का निर्माण होगा, यंग सेना का निर्माण होगा, आपको भी यही लगता है? ये अग्निपथ योजना को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? ये योजना के दो हिस्से हैं, एक तो हिस्सा है इसका सरकार की तरफ से, एक हिस्सा है इसकी इफेक्ट होगी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर. अभी जो बातचीत आप कर रहे हैं कि एज प्रोफाइल कम होगी, 32 से 26 हो जाएगी, इसकी कैलकुलेशन तो मैंने नहीं की है लेकिन कैसे होगी मुझे समझना ज़रा कठिन दिख रहा है. आज आपने पहले स्कीम में अनाउंस किया कि 17.5 साल से 21 साल तक ये स्कीम लगेगी, उसके बाद कोविड के वजह से 2 साल मिस हो गए तो आपने उसको जोड़ के 21 से 23 कर दिया. आज सुबह से खबर आ रही है, सब चैनल्स में मैंने देखा है कि अब 23 से करके 26 कर दी गई है और एक चैनल तो ये भी दिखा रही थी कि हो सकता है ये 28 कर दी जाए. तो इस तरह से अगर हम एज को बढ़ा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि, चाहे ये वन टाइम इशू हो चाहे ये परमानेंट हो, लेकिन ये नहीं लगता कि इससे कोई मटेरियल डिफरेंस होगा एज प्रोफाइल में. दूसरी बात साथ साथ ये है कि 32 साल से लेके 40 साल तक कोई व्यक्ति ओल्ड नहीं होता आजकल की तारीख में. कारगिल कमेटी की रिपोर्ट खास तौर से जो थी वो थी कमांडिंग ऑफिसर्स के बारे में जो कि सीनियर एज ग्रुप के थे, उसको घटा के 35 से 40 साल के बीच में कमांडिंग ऑफिसर्स होने चाहिए. उस टाइम भी सोल्जर्स तो यंग थे, आप उस टाइम की प्रोफाइल देख लीजिए, जवान जो थे वो फिर भी यंग थे और जो यंग ऑफिसर्स मरे हैं वो भी सब यंग थे, मानता हूँ मैं. लेकिन इस समय दूसरी बात जो सरकार ने कही, देखिए सरकार की ऑब्जेक्टिव क्या थी, वो बड़े अच्छे ऑब्जेक्टिव है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. पहला ऑब्जेक्टिव सरकार का ये रहा कि किसी तरीके से हम जॉब्स क्रिएट करें, जिससे कि बड़ी भारी जॉब डिफिशेंसी हो रही है, जॉब नहीं मिल रहे लोगों को, तो एक जॉब क्रिएशन हो जाएगी. दूसरा सरकार का मुद्दा यह था कि डिफेंस के ऊपर पेंशन का बिल बहुत बढ़ता चला जा रहा है, उसको किसी तरीके से कम किया जाए और उस पैसे से फौज को आधुनिक बनाया जाए, तो वो भी काफ़ी हद तक सही है, ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छा है. लेकिन इसको मुकम्मल करने के लिए जो थोड़ा कठिनाई आ रही है उसके बारे में डिटेल में सोच विचार करना ज़रूरी है. अब ये पथराव शुरू हुआ है, इसकी कोई इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, इसको तो हम बहुत डिसगस्टिंग एक्टिविटी मानते हैं, बहुत ख़राब एक्टिविटी मानते हैं, इसकी निंदा करनी चाहिए. लेकिन ख़ास तौर से देखा जाए तो ये हैं कौन ये उग्रवाद कर रहे हैं, कौन ये वायलेंस कर रहे हैं? ये हैं बच्चे 8-10 साल के, आपने पिक्चर्स में देखा, कुछ 35 साल के लोग हैं, कुछ लड़कियाँ हैं, तो ये लोग तो फौज में भर्ती होने के कोई इनको दिलचस्पी नहीं है. लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल राज है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको करा रही हैं, तो वो बात तो अलग रही. देखने की बात ये है कि पहले सरकार ने कहा कि इनको कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी, अब सरकार ने 2 दिन से शुरू किया है कि 10% रिजर्वेशन होगी. कहाँ होगी ये रिजर्वेशन? असम राइफल में होगी, आगे डिफेंस सेक्टर में होगी, ये कहाँ होगी? पुलिस फोर्सेज में होगी, ITBP में होगी, SPG में होगी, एलीट फोर्स में, NSG है एलीट फोर्सेज में होगी, तो वहाँ जाएंगे ये लोग 10%. तो क्या वहाँ पे ये 4 साल ही सर्विस करेंगे कि वहाँ फुल पेंशन लेवल तक जाएंगे? वहाँ की कंडीशन लोगों को अभी तक मालूम नहीं चली हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी स्कीम को एक दफ़ा से
ध्यान से पूरे कंट्री को बता दें कि इसकी उम्र यहाँ होगी, इसकी एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से होगी, जो रिटायर होंगे उनको कहाँ का नौकरी गारंटीड मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में कितनी कोशिश की जाएगी, पब्लिक सेक्टर में कितनी कोशिश की जाएगी, गवर्नमेंट जॉब्स कितने मिलेंगे, और गवर्नमेंट जॉब्स जब मिलेंगे तो उसमें इनकी क्या फ्यूचर होगा, क्या इट्स अ परमानेंट अब्जॉर्प्शन इन द एनएसजी और इन द आईटीबीपी और इन द डिफेंस सेक्टर और इन वेरियस पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये बात क्लियर नहीं हुई है। अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ पेंशन मिलेगी, तो पेंशन तो सरकार की नहीं बची ना इसमें। सो इसमें थोड़ी सी अभी समझने में हमें परेशानी हो रही है कि सारी चीज़ का खुलासा ठीक से हुआ नहीं है। जब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकलेगा तब ये बातें सब क्लियर होंगी कि एग्जैक्ट एज क्या है, इनकी रीएम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी क्या है, इनकी पेंशन के बारे में क्या होगा, कहाँ पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी। दीज थिंग्स हैव टू कम आउट इन अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं आता हम लोग सब गेस वर्क कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम नहीं। लेकिन हाँ, मैं अंत में ये जरूर दो बातें कहना चाहता हूँ कि इट्स ए गुड स्कीम, इट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड प्रॉपर्ली। दूसरा, इसके बारे में एक डिटेल निकलना चाहिए, और जहाँ तक कि फौज का सवाल है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आर्म्ड फोर्सेस जो हैं किसी चीज़ को छोड़ती नहीं है। अगर सरकार का आदेश हो गया है तो ये स्कीम सक्सेसफुल होगी, इसमें देर इस किसी को देश के अंदर ये डाउट नहीं होना चाहिए कि दिस विल बी अ सक्सेसफुल स्कीम। लेकिन आर्म फोर्सेज मेक अ सक्सेस। आपने जनरल साहब उठाए हैं, कुछ सवाल हैं जो आपने उठाए हैं और उनका जवाब मेरे ख्याल से शहनवाज हुसैन साहब बहुत अच्छे से दे पाएंगे। उसके बाद आलोक शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। शहनवाज हुसैन साहब, देखिए बहुत सारी जो सवाल हैं वो आपकी तरफ अब खड़े हो रहे हैं। आपके जो साथी हैं, चाहे राजीव रंजन हो, चाहे आलोक शर्मा हो, चाहे सारिका पासवान जी हो, वो तो आपसे सवाल पूछ ही रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए मोटिव ठीक है सरकार का, इस पर कोई मना ही नहीं है, लेकिन इसमें जो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बच्चों के मन में खड़े हो रहे हैं, खुद डिफेंस एक्सपर्ट के मन में खड़े हो रहे हैं, इनका जवाब कब मिलेगा? देखिए बहुत अच्छी बात हुई है, दोनों जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं सुनील जी और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, उन्होंने इस स्कीम के बारे में कहा है कि ये जरूर अच्छी स्कीम है और ये कामयाब भी होगी। ठीक, दो बात इसमें साफ है। लोगों में जो गलतफहमी हुई, मैं बिहार में देख रहा था, मैंने बच्चों से बात भी की और उनके अंदर ये था कि अब सेना की नौकरी 4 साल की हो गई। ये गलतफहमी है। सेना जो ये ब्रिज कोर्स है, जो बेस है, ये 4 साल की, इसमें जो है इसमें जो लोग जाएंगे उसमें डिफेंस में भी जाएंगे और पैरामिलिट्री फोर्स में भी जाएंगे तो वो ट्रेंड होंगे, उनको कहीं रोका नहीं जाएगा। लेकिन 4 साल के बाद, जैसे इसमें अभी दो चीज़ें हम लोगों ने जोड़ी, जो चौधरी साहब ने पूछा उसको दो बयान इसमें हमारी सरकार की तरफ से आया। एक तो ये कि जो CPMF है उसके अंदर जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे ATBP है, SSB है, CISF है, इस तरह की जितनी भी संस्था है उसमें भी इनको मौका मिलेगा। दूसरा, इनको फौज में भी मौका मिलेगा। तीसरा, एक गलतफहमी जो आंदोलन शुरू हुआ तो हमने उसमें कई बच्चों से बात की थी, उन्होंने उनको ये लगा कि 2 साल से वो दौड़ रहे थे और दौड़ के वो तैयारी कर रहे थे, कोरोना काल में वो बहाली उनकी हुई नहीं, तो उनको लग रहा था कि हमारी एज तो चली गई, तो 21 से 23 हो गई, तो उसको 2 साल कह दिया गया कि इस साल के लिए 2022 के लिए वो उनकी एज 21 में ही मानी जाएगी, इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादातर वो बच्चे सड़क पर आए थे, पहले दिन तो स्वतः कुछ लोग आए, और आप जानते हैं कि जब सियासत होती है, जब आग लगती है तो हर कोई उसमें तापना चाहते हैं, ठीक है, सियासी बयानबाजी भी होती है, और सरकार बयानबाजी में खड़ा करना लगा रहे हैं, उन पर मैं जवाब लूंगी। लेकिन शहनवाज हुसैन साहब, आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है और बिहार में आप मिलकर सरकार चला रहे हैं JDU के साथ। अब जो JDU के आपके साथी बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमें तो भाई आपने लिया ही नहीं, आपने हमसे तो डिस्कस किया ही नहीं, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका तो आपने इस्तेमाल किया ही नहीं, उनको क्यों नहीं साथ मिला, ये किस बात की जल्दबाजी थी? देखिए क्या है कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही थी, मैं भारत सरकार में भी मंत्री रहा हूँ, और तब हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी अगर होती थी तब, तो
तो विभाग के काम में सिविल एविएशन में मैं कोई निर्णय ले रहा हूँ, इसमें पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी निर्णय करते हैं। या नीतीश जी उस वक्त रेल मंत्री थे तो वो जो डिसीजन लेंगे, कैबिनेट में जब वो जाता है तो कैबिनेट में सब लोग होते हैं, और कैबिनेट पेपर जो जब जाता है तो उसमें अगर आपको एक लाइन पर भी आपको लगता है कोई एतराज है तो आप कैबिनेट में बोल सकते हैं, ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं। यही तो बात है ना शनिवार से चुनाव होगा, जब आप अपने साथियों को नहीं समझा पा रहे तो जनता तक कैसे मैसेज कन्वे कर पाएंगे। प्राची जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर नुक्ता भी ऊपर से नीचे हो जाए तो खुदा से जुदा हो जाता है, इसलिए मुझे एक लाइन में उसको ठीक है जल्दी से कंप्लीट करिए, क्योंकि आलोक शर्मा जी आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं। योजना है जो दोनों जी हाँ क्यों नहीं देंगे, वो तो आइए जवाब देने के लिए आलोक जी, बहुत दिन बाद टीवी पे देख मैं भी बैठा हूँ, उनसे भी मिला हूँ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो ये निर्णय है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो फौज के साथ बातचीत करके की है, ठीक है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करके ये निर्णय नहीं होते हैं, ये डिफेंस के निर्णय है। तो उसमें जो कंसर्न डिफेंस के ऑफिशियल हैं उनसे एक दिन में कोई स्कीम नहीं बनती, कोई कैबिनेट नोट भी एक दिन में नहीं बनता, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जहाँ भी गलतफहमी, चाहे हमारे सहयोगी को या हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उनको या बच्चों को, उन सब गलतफहमी को दूर करने के लिए तो हमने कहा कि दो दो साल की जो उम्र की गलतफहमी है वो दूर हो गई। आपने कर दिया शहनवाज हुसैन साहब, लेकिन क्या बच्चे है ना सर, वो जमीन पर नहीं नजर आ रहा, रोड पे थे। शहनवाज हुसैन साहब, मैं आपकी बात को देखिए सुन रही थी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं, जो भी देख रहे हो, उनसे अपील है कि आप इंडिया टीवी में दो डिफेंस एक्सपर्ट को सुना है, हमें सुना है, आलोक जी ने भी जिम्मेदारी की बात कही। मैं कहता हूं कि शांति होनी चाहिए, ठीक है, शांति की बात। जो देश की सेना में जाएंगे, शहनवाज हुसैन साहब आगे सर आपकी बात, आप शांति की बात कर रहे हैं, दूसरा आपने एक और बात कही कि सियासी रोटियां भी सेकी जाती हैं जब कहीं पर आग लगती है, तो देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। आगे आपकी बात आगे सर हुसैन, देश की संपत्ति आलोक शर्मा जी, अब आपको कोई जवाब देना चाह रहे हैं। आलोक शर्मा जी, आपने दोनों डिफेंस एक्सपर्ट की भी बात सुनी, आप तब भी जवाब देना चाह रहे थे, उसका भी जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ शहनवाज हुसैन साहब भी कह रहे हैं कि जब भी कहीं पर आग लगती है तो उसमें सियासी रोटियां भी सेकी जाती है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। इशारा आप लोगों की तरफ। ठीक है, मुझे लगता है विपक्ष नहीं, शायद ये पूरा जो अग्निपथ है कानून, ये पूरा दायरा विपक्ष ने ही बनाया है, और विपक्ष ने शायद पहले ही सोच के ही बनाया था कि ऐसा ऐसा होगा तो आग लगेगी। शहनवाज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विपक्ष ही जिम्मेदार है। अब मैं डिफेंस एक्सपर्ट साहब से पूछना चाहता हूँ, सुनील आनंद साहब से, इन्होंने कहा कि डिफरेंट उस पर प्लेटफॉर्म्स पे, आनंद साहब कौन से प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हुआ था, कौन कौन मेंबर थे उसके, कोई डिफेंस की कमेटी बनी थी, एक घंटे का शो है जरूर बता के जाइएगा। शहनवाज भाई ने कहा कैबिनेट नोट बनने में टाइम लगता है, शहनवाज भाई ये मैटर कैबिनेट में गया था क्या, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है डिफेंस की उसी में नहीं गया है क्या, कैबिनेट में गया है ये मैटर, क्या कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी है, क्या आपके सहयोगी दल जो मंत्री वहां पर बैठते हैं कैबिनेट में, क्या उन्होंने इसको डिस्कस किया था, जेडीयू तो मना कर रही है। अब वापस आते हैं हम मुद्दों पर। पहला मुद्दा, रक्षा मंत्रालय में 10% रिजर्वेशन रहेगी, कैसे रहेगी, रक्षा मंत्रालय में तो SSC से बच्चे जाते हैं, UPSC से भी लोग जाते हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो SI का एग्जाम होता है वो तो SSC लेती है, तो SSC के रिजर्वेशन में कर दिया क्या आपने, नोटिफिकेशन आ गया कोई, केवल बयानवीर मत बनिए आप लोग, क्या ITBP की, दिल्ली पुलिस की और आर्मी की ट्रेनिंग सेम होती है क्या, और पिछले 8 साल में कितने एक्स सर्विसमैन को जॉब दिया है, 1000 में से 8 को, 0.8% है ये अभी तक, तो आप उनको जो हर साल 75% लोग निकल जाएंगे हर साल, उनको आप जॉब दे देंगे, अभी भी आप गुमराह कर रहे हैं देश को। मैं पूछना चाहता हूं आनंद साहब से कि अगर आर्मी की एज कम करनी है तो 4 साल का फॉर्मूला क्या, 2 ही साल रखिए ना उनको, और आर्मी की एज कम हो जाएगी और फिर उसको बहुत अच्छा रहेगा, फिर तो सब पूरी आर्मी यंग हो जाएगी। आलोक शर्मा जी, लेकिन देखिए दोनों डिफेंस एक्सपर्ट इसके मोटिव को डिनाई नहीं कर रहे हैं, जो तरीका है, जो लूपहोल्स हैं उसकी चर्चा जरूर कर रहे हैं। एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा, सुनील आनंद साहब, आपको लगता है पेंशन नहीं होनी चाहिए, आपने अभी तक जितनी पेंशन ली है सारी वापस कर दीजिए एयरफोर्स को, और आगे से कहिए आज ही अनाउंस करके जाइए इंडिया टीवी पे कि मैं आलोक शर्मा जी, ठीक है, आप डिफेंस एक्सपर्ट से सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए सर, सुनिए, आप डिफेंस एक्सपर्ट से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बात यहाँ बजटिंग को लेकर ही तो हो रही है कि कैसे खर्चा कम किया जाए, कैसे 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 हमारी जो डिफेंस है उसको मजबूत किया जाए। बहरहाल जवाब शायद देना चाहते हैं शहनवाज हुसैन साहब, जो आपने सवाल उठाए, फिर मैं जाऊंगी राजीव रंजन जी आपके पास, बोलिए सर।
देखिए आलोक जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर अगर डिबेट में वाइस एडमिरल रहे हैं, देश की इतनी बड़ी सेवा की है, आप उनसे कह रहे हैं पेंशन लौटा दीजिए। भाई ये जो अग्निवीर हैं, ये जब सेना में जाएंगे या पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, उनको वो सारी फैसिलिटी मिलेगी। ये 4 साल के जो ये इसके बाद जब उनको जो जगह मिलेगी, सारी फैसिलिटी मिलेगी। अब अगर अगर वाइस एडमिरल साहब ने, सुनील आनंद जी ने कह दिया कि ये योजना अच्छी है, या नहीं, या लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी ने कहा कि योजना अच्छी बनी है, तो आप इनके ऊपर ही हमला करने लगे। मेरी आलोक जी सुन लीजिए ना आप, जिस तरह की मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो आग लगी है इसमें पेट्रोल अपने बयानों से मत छिड़की। आपसे गुजारिश है, कैसे भी देश के अंदर आप गलतफहमी मत पैदा कीजिए। कोई गलतफहमी नहीं है, जो 21 से 23 वर्ष वाले जो उम्र बढ़ गई थी उनको नहीं आना है। दूसरी बात यह है कि ये 4 साल का ये ब्रिज कोर्स है, ये बेस है, इसके ये नींव बनेगी, उससे लोग सेना में जाएंगे, उससे पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे। सर शहनवाज हुसैन साहब, ये आप गिना चुके हैं, आलोक शर्मा जी की बातों का भी जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन सर चूंकि आप सरकार में हैं, शहनवाज हुसैन साहब चूंकि आप सरकार में हैं, तो सवाल फिर आपसे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि देश में जो हो रहा है वो चिंताजनक है। ठीक है आलोक शर्मा जी, मैं आऊंगी आपके पास, आपके बयानों से वो निशान और बढ़ जाएंगे, लेकिन आप पूरी चीजें विपक्ष पर नहीं डाल सकते। शहनवाज हुसैन साहब, आप सरकार में, आपसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। बहरहाल राजीव रंजन जी, हम विपक्ष पर डाल रहे हैं राजीव जी, आलोक शर्मा जी और शहनवाज हुसैन साहब, नहीं डाल रहे हैं, बाकी मेहमान भी उनके पास भी चले जाओ। राजीव रंजन जी, सवाल मेरा ये है कि बिहार में जो सब कुछ हो रहा है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहां पर चीजों को ठीक कर ले, कंट्रोल कर ले? दिन ब दिन हालत बिगड़ रहे हैं। आज मुंगेर की तस्वीर हमने देखी, आज हमने पटना की कई इलाकों की तस्वीरें देखी, भयावह हैं। देखिए, हिंसा की कठोरतम शब्दों में कोई भी राजनीतिक दल बढ़ सकते हैं, हमारा ये कहना है। मैं सानवार जी को भी एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने अपने तरीके से बताया कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री का मसला है और डिफेंस मिनिस्ट्री में बात हुई, उन्होंने अपने अपने अनुभवों को भी साझा किया कि बतौर केंद्रीय मंत्री जो कार्य प्रणाली वहां की थी उसके संबंध में भी बताया। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरह से देश ने एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बिल को लेकर जो पूरे देश में कोहराम मचाया, देश के ज्यादातर हिस्सों में काफी नाराजगी हुई, किसान संगठनों ने विरोध। राजीव रंजन जी, मैं आपकी जिम्मेदारी पूछ रही हूँ। सर देखिए, आपके सवाल, आपने मेरे पहले जवाब में तमाम सवाल शहनवाज हुसैन साहब से पूछ लिए थे। मेरा सवाल ये है कि सरकार की, राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है जब एक देश में कई जगहों पर इतनी हिंसा होती है? प्राची जी, मुझे बांधिए नहीं, उस तरह से बांधिएगा तो जवाब आपको नहीं मिल पाएगा ना। मुझसे बेहतर जवाब तो राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री है, अगर कोई हिंसा और आगजनी हुई है तो शहनवाज हुसैन साहब को इस पर सफाई देनी चाहिए, ज्यादा बेहतर तरीके से। शहनवाज हुसैन साहब से भी मैं यही सवाल पूछ रही हूँ राजीव रंजन जी, और आपसे भी पूछ रही हूँ। मैं आपको बांध नहीं रही सर, मैं सिर्फ जिम्मेदारी पूछ रही हूँ कि किसकी है, मैं बांध नहीं रही आपको। जिम्मेदारी बिल्कुल राज्य सरकार की है, चाहे वो बिहार की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जहां इनकी साझा सरकार नहीं है, जहां इनकी खुद की सरकार है वहां भी इनकी जिम्मेदारी। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर इस महत्वपूर्ण विषय जो एक परंपरागत सेना का ढांचा है, उस आमूलचूल परिवर्तन के लिए, देश को तैयार करने के लिए, अगर आप देश को विश्वास में लीजिए, इस बहुदलीय लोकतंत्र को विश्वास में लीजिए, साथियों को विश्वास में लीजिए, तो इसमें नुकसान क्या है? मैंने प्रॉस एंड कॉन्स की चर्चा ही नहीं की है। अगर अच्छी चीजें हैं, देश का भला होगा, नौजवानों का भला होगा, स्वागत योग्य, लेकिन लोगों के अंदर नाराजगी किस लिए? ये संवादहीनता की वजह से। आप एक तरफा क्यों थोपते सर? लेकिन नाराजगी अगर है राजीव रंजन जी, तो वो नाराजगी ऐसे नहीं निकल सकती जैसे निकाला जा रहा है। ये तरीका बहुत गलत है, जिसकी निंदा आप भी कर रहे हैं, आप भी निंदा कर रहे हैं, लेकिन सर बिहार अगर जल रहा है तो जिम्मेदारी आप दोनों की है। अभी बजाय ये ढूंढने की कि संवादहीनता है या संवादहीनता नहीं थी, ये ढूंढने की बजाय जरूरी है कि आप दोनों एक पृष्ठभूमि पर आ जाएं और जो जलता हुआ बिहार है कम से कम उसे बचा लें। बहरहाल सारिका जी,
चूंकि शहनवाज हुसैन साहब कह रहे थे कि रोटियां सेकने लगते हैं जब भी कहीं आग लगती है, इशारा आपकी तरफ भी हो रहा है, इसी पर मैं जवाब लूंगी क्योंकि बंद को समर्थन आपने भी दिया था, लेकिन उसकी आड़ में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल प्राची जी, अगर शहनवाज हुसैन साहब ये कह रहे हैं तो मुझे कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ ये सुनकर, क्योंकि आपको अगर याद होगा जब फार्मर बिल के अगेंस्ट जब किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे तब भी उन किसानों को कहा गया था कि वो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, मतलब तरह तरह के नामों से उनको संबोधित किया गया था। तो अब अगर वो कह रहे हैं, अगर जो नौजवान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर शहनवाज हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि हमारा उसमें हाथ है, तो मुझे लगता है कि इसमें मैं हंसने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखिए बीजेपी ना जब से सरकार में आई है, सत्ता में आई है, तब से वो एक्सपेरिमेंट करने में लगी हुई है। पता नहीं शायद अगर ये लोग अपने कॉलेज के टाइम में लैब में एक्सपेरिमेंट करते तो वो स्वीकार भी था, लेकिन ये जनता और नौजवानों के साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रही है ये देश के युवकों को नहीं स्वीकार है, किसी भी स्वीकार नहीं है। आपने देखा होगा नोटबंदी के टाइम में भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था भाई, बड़े बड़े चैनलों के प्रतिष्ठित मैंने देखा था एंकर्स को जो कहते थे कि 2000 के नोट में 500 के नोट में चिप लगे मिलेंगे, अगर काला धन कहीं होगा तो उससे रेज निकलेगी, तुरंत पकड़ा जाएगा। कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ आप अभी देखिए, स्विस बैंक में 50% की फंड में बढ़ोतरी जरूर हो गई है काले धन की। इन्होंने कहा था काले तीन काले कानून बहुत फार्मर्स की सपोर्ट में है, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, अंत में सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। आप सीए और एनआरसी की तो खैर प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब जी ने कहा ही, मैं उसकी बात नहीं कहूंगी। जीएसटी पे आज तक व्यवसायी जो है वो बहुत कंफ्यूज है क्योंकि वो कहीं भी उनके पक्ष वाला नहीं है, लेकिन तमाम एक्सपेरिमेंट जो है ना वो सरकार कर रही है और उनके एक्सपेरिमेंट से सरकार का भला हो रहा है क्योंकि वो मुद्दों से हमेशा से ही भटका दे रही है। आज हमारे देश में जो बेरोजगारी अहम मुद्दा है जिसको लेकर के जब भी किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है तो बीजेपी वाले लंबे चौड़े चीजें फेंकते हैं। ठीक है सारिका पासवान जी, आपके सारे सवाल जायज हैं, लेकिन देखिए अगर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बात है तो फिर उसके लिए विपक्ष को ऐसे ही बंद का समर्थन करना होगा जैसे अभी आप कर रहे हैं, जैसे आप अभी बिहार में कर रहे हैं, क्योंकि बिहार अगर जल रहा है तो जिम्मेदारी सबको उठानी होगी, सरकार की जिम्मेदारी है तो देखिए विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। आप बंद का समर्थन कर रहे थे। बहरहाल सुनील आनंद साहब, बहुत सारे सवाल आलोक शर्मा जी पूछ रहे थे क्योंकि आपने कहा कि चर्चा करके ऐसी चीजें आती हैं, ऐसी रातों रात कोई फैसले नहीं हो जाते हैं। आपत्ति आलोक शर्मा जी को इस बात पर है, वो कह रहे हैं कि कहां पर चर्चा हुई, हमें तो पता ही नहीं है कि आप लोगों ने कहां पर चर्चा कर ली, इस बात का जवाब उनको दे दीजिए सर। मैं वो जवाब तो जरूर दूंगा, पर मैं इतना कहूंगा कि ये जो पहले बात तो लेट अस अंडरस्टैंड ये स्कीम के पीछे क्या क्या व्हाट वाज द एम बिहाइंड, गवर्नमेंट का क्या एम था। हमारा गवर्नमेंट का एम था टू हैव अ लीन एंड यंग हमारी फौज सो दैट दे आर फाइटिंग फिट अवेलेबल, ये मेन मकसद था, ना कि कोई पैसा बचाना, दैट इज सेकेंडरी। अगर देर इज अ फॉलो आउट एडवांटेजेस वेरी गुड, बट दैट वॉज द मेन एम एक हमारा। दूसरा ये वाली स्कीम, मैं तो अभी लास्ट ईयर रिटायर हुआ हूँ, ये वाली स्कीम मैंने देखा है कि यह हर लिहाज से मिनिस्ट्री ऑफ एमओडी में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड उधर थिंक टैंक्स, हर जगह पर डिबेट हुआ है। माना कि भाई इस लेवल पे डिस्कशंस हुई हैं और दो साल तक डिस्कशन होती रही हैं। इसमें काफ़ी कमियां और काफ़ी क्वेश्चंस उठे थे इसके अंदर कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, जैसे कि जनरल साहब ने कहा था कि उन्होंने ये भी सुन लिया है कि अभी ये 23 से 25 हो रहा है और 25 से 28, ये तो चीज़ें शायद मैंने नहीं सुनी। पर एक बात ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने ये ज़रूर देख, सरकार और फौज ने ये ज़रूर देखा है कि हाँ कोविड के कारण दो साल के लिए हमारे नौजवान जो कि वंचित थे, वो जो कि जिनका लॉस हो रहा था, ये बात है जरूर है कि उन्होंने ये एड्रेस किया ताकि उनका लॉस ना हो। ये स्कीम इतनी अच्छी है, इस स्कीम के जो हर एक को जो रियलिटी अगर समझाई जाए तो मेरे को तो लगता ही नहीं कि इस तरह के रॉइट्स और इस तरह के प्रॉब्लम होनी चाहिए इस लेवल का। हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंफॉर्मेशन इन युवक को और इन सबको हमने देनी चाहिए, एंड मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस इशू। ठीक है, जो जिस तरीके की अफवाह फैल रही हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं आ रही हूँ आलोक शर्मा जी आपके पास ही आ रही हूँ, पहले जरा लेफ्टिनेंट जनरल साहब शंकर प्रसाद जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले लूँ। शंकर प्रसाद जी, आप इस चर्चा को सुन रहे हैं, सवाल भी हैं, उन सवालों के जवाब सरकार दे भी रही है, लेकिन उसके बावजूद युवाओं को शायद एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं और
हालात बिगड़ रहे हैं देश के, इसका बहुत विरोध हो रहा है। आपको कौन से ऐसे 3 लूपहोल्स इस योजना के लग रहे हैं जिनका एड्रेस होना बहुत जरूरी है? देखिए वो 3, पहली बात तो ये है कि मेरा मानना है कि सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जॉब क्रिएशन एंड फाइनेंशियल, इसको सेविंग करें, पेंशन को कम बंद करें, इन जवानों को पेंशन ना देनी पड़े क्योंकि पेंशन बिल बहुत बढ़ रहा है। मेरे तो 2 ये समझ में आया है। दूसरी बात जो इसमें लूप होल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लोगों को क्लियरली इसका नोटिफिकेशन नहीं मालूम है, लेकिन अब समय आ गया है कि मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इसका आर्म्ड फोर्सेस पर क्या इफेक्ट है। सरकार के ऊपर इफेक्ट तो हम लोग सब पॉलिटिशियन सब ने डिस्कस कर लिया, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि पथराव कौन कर रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है, लेकिन असली बात जो है मैंने शुरू में कहा कि आर्मी जो है इसका आर्मी कर क्या असर पड़े, आर्मी माने कि आर्म्ड फोर्सेस। देखिए अब आर्म्ड फोर्सेस की बात आ गई तो इसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। एक मिसाल लीजिए कि एक यूनिट में, एक आर्मी के अंदर एक यूनिट होती है जिसको हम बटालियन कहते हैं, रेजिमेंट कहते हैं, जो कि एक कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ कर्नल कमांड करते हैं। जो आर्मी में जो भी कार्य होता है, चाहे सीनियर जनरल्स हों, एयर मार्शल्स हों, एडमिरल्स हों, वो इसकी तजवीज़ वगैरह बनाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर इसका एक्शन एक यूनिट करती है, एक इन्फेंट्री बटालियन, एक आर्टिलरी रेजिमेंट या एक आर्मर्ड कोर रेजिमेंट करती है। उसमें मिसाल के तौर पर अगर 100 आदमी हैं तो उसमें से 80% तो रेगुलर होंगे और 20% वो होंगे जो कि अग्निवीर सिपाही होंगे। जो ये सिपाही आ रहे हैं इनकी 4 साल की टोटल सर्विस होगी, जिसमें 6 महीने ये ट्रेनिंग करेंगे और 2-3 महीने इनकी छुट्टी वगैरह मिला के मुश्किल से 3 साल इनको मिलेंगी सर्विस में। अब जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो पहले हम अपने जवानों की 9 महीने की कराते थे, अब इन जवानों की ट्रेनिंग होगी केवल 6 महीने, यानी 3 महीने कम। तो इसका मतलब यह है अगर परसेंटेज में देखा जाए टोटल, जस्ट फॉर द मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 30% कम हो जाएगी, तो चलिए वो भी हम मानने को तैयार हैं। लेकिन इसका इफेक्ट यूनिट के अंदर क्या होगा? अब आप देखिए यूनिट का कार्य क्या होता है, खास तौर से आर्मी का बताऊंगा, नेवी एयरफोर्स का, नेवी का एडमिरल साहब बता सकते हैं और एयरफोर्स का कोई व्यक्ति है नहीं वो बता सकता है। बहरहाल आर्मी में क्या होगा, अब एक यूनिट को टास्क मिलता है। देखिए यूनिट को टास्क क्या मिलेगा, गलवान में जाके चाइना से लड़िए, आतंकवादियों को कश्मीर में मारिए पकड़िए, आप वहाँ पे सियाचिन में जाके लड़िए, वहाँ पे आप गलवान के बाद कैलाश रेंज में आप जाकर कब्जा कीजिए, डोकलम में अपना डंका जमाइए, तो जो उरी जैसा टास्क मिलेगा तो उसमें क्या होगा, एक बटालियन कमांडर को जब टास्क मिलेगा तो उस टास्क में वो हार तो मान नहीं सकता, किसी हालत में भी वो हार नहीं मानेगा। वॉट एवर ऑपरेशन ही अंडरटेक्स ही हैज टू ब्रिंग सक्सेस, सक्सेस के अलावा तो और कोई चारा ही नहीं है। तो अगर वो सक्सेस चाहता है तो वो क्या करेगा, वो अपने बेस्ट आदमियों को इस्तेमाल करेगा, जो उसके 80% की नफरी है, जिस पर उसको भरोसा है, जिसकी ट्रेनिंग अच्छी हो रखी है, जो हर एक चीज जानता है, उस पर भरोसा करेगा, ठीक है, ना कि ये 20% के जो कि 1 साल 2 साल 2.5 साल के सर्विस के हों। तो इसमें एक प्रेशर पड़ता है कमांडिंग ऑफिसर के पास, जो उसका रिसोर्स था 100%, वो आज 20% एक तरीके से कम हो गया। दूसरी बात, हम इसको कहते हैं हाईटेक, हाईटेक की बात बहुत हो रही है। शंकर प्रसाद जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूं, सर, माफी के साथ मैं रोक रही हूं। अगर आप बात नहीं, आपकी मर्जी है, जब रोक दीजिए, लेकिन जो आप हमको समझाना चाह रहे हैं वो अभी तक डिबेट में बात हुई नहीं है। ठीक है, मैं आप डिबेट को जिस तरह ले जाए ले जाइए, जहाँ चाहे आप ले जाइए, अगर आपको सुनना ही नहीं है तो बात अलग है। आप मैं सर आप ही के सवाल को लेकर जा रही थी, मैं कहीं और नहीं जा रही थी, आप बात पूरी करिए सर। तो जवाब हमसे सुनेंगे कि जवाब किसी पॉलिटिशियन से सुनेंगे आप? ठीक है शंकर प्रसाद जी, आप बात रखिए अपनी। देखिए ऐसे जी, देखिए नहीं, अगर आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है तो कहीं और चलिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, आपने हमको बुलाया है। शंकर प्रसाद जी बस इसी बात में दिलचस्पी है कि इस पर सेना का क्या असर हो रहा है। देखिए अभी तक बात रखिए सर, आपने 3/4 ऑफ द टाइम निकाल दिया पॉलिटिकल बातों में, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस डिबेट का अभी तक क्या नतीजा निकला, कोई डिबेट का नतीजा नहीं निकला। तो आपने ना तो सरकार की बात को समझ में आई किसी के, ना आर्मी की बात समझने की कोशिश कर रहा है कोई। अगर आपको इसमें इसी तरह से चलानी है तो हम भी चुप बैठे रहते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। शंकर प्रसाद जी, आपका एक पॉइंट मैंने सुना, आप दूसरा पॉइंट बता रहे थे, सर बता दीजिए क्योंकि वक्त की हमारे पास भी सीमा है। दूसरी जो आप पॉइंट बता रहे थे, जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो समझा दीजिए। देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको हमें ये कह रहा था टेक्निकल, आपने टेक्निकल बात की। आज की फौजें बहुत हाईटेक हैं, नेवी बहुत हाईटेक है, एयरफोर्स बहुत हाईटेक है, आर्मी बहुत हाईटेक है,
इन्फेंट्री तक हाईटेक है। हमारे पास किस्म किस्म के मॉडर्न इक्विपमेंट हैं, रेडियो सेट्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, किस्म किस्म के हथियार हैं, LMG है। इनको सीखने में टाइम लगता है भाई, ये थोड़ी है कि आपने आज आदमी भर्ती है 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद और सब में वो माहिर हो गया। तो जब मैं अगर उसको सामान चलाने का आइडिया नहीं होगा, उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको ऑप्टिमली यूज कैसे करना है, उसमें समय लगता है ना। हम लोगों का एक्सपीरियंस ये है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, चाहे औरों का हो ना हो, 5-6 साल कम अज कम लगते हैं एक सोल्जर को इफेक्टिव होने के लिए। जो बाकी यंग सोल्जर होते हैं, एक सेक्शन में 11 आदमी होते हैं, उसमें से एक बच्चा होगा जो कि नया नया आया, वो उनके साथ चलता है, सीखता है। लेकिन वो अगर आप देखें, अगर आतंकवाद में जाना है, कश्मीर में आपने जाना है, टेररिस्ट को मारना है, 2 टेररिस्ट के ग्रुप या 5 टेररिस्ट किसी जगह छुपे हुए हैं, वहाँ पर कितनी बारीकी की सप्लाई चाहिए। अगर एक सेकंड, एक स्प्लिट सेकंड में अगर आपने गलती कर दी तो आपको मार देगा गोली से। और अगर आप सक्षम हैं अपने हथियार को चलाने में, अपनी ट्रेनिंग में, तो आप उसको मार देंगे। इस देखिए, इस लड़ाई में वी आर अ सिक्योरिटी फोर्स, इसमें कोई रनर्स अप नहीं होता, ये सिर्फ ओनली विनर। जब आमने सामने दुश्मन है तो जिसने पहले गोली फायर कर दी और सही फायर कर दी वो तो जिंदा है, दूसरा मर गया। तो हम इस किस्म की लड़ाई में आज जूझ रहे हैं जहाँ यू हैव टू बी वेरी वेरी शार्प। वो शार्पनेस कैसे आ जाएगी बच्चे में 1-2 साल में, उसको ट्रेन करना पड़ेगा ना भाई। तो ये बात मिलिट्री की है, इसको हम, और मैं ये फिर कह दूंगा बिफोर यू स्टॉप मी, कि आर्मी विल मेक अ सक्सेस, कमांडिंग ऑफिसर्स विल ऑल्सो मेक दिस स्कीम सक्सेस, बिकॉज वो 80% से काम चला लेगा लेकिन अपना नाम बर्बाद नहीं होने देगा। उसके बाद प्रेशर पड़ जाएगा ज़्यादा, वो ठीक है, ही विल टेक दैट प्रेशर ऑल्सो, कोई आपत्ति नहीं है। अगर सरकार को ये मंजूर है कि हमें ये करना है बिकॉज ऑफ जॉब क्रिएशन, बिकॉज ऑफ सेविंग ऑफ मनी, द आर्मी विल सपोर्ट इट, आई सपोर्ट इट, इट्स अ गुड स्कीम, बट वी विल हैव मोर प्रेशर, दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग। तो अगर आपको ये प्रेशर पे अगर कोई तवज्जो नहीं देनी है तो नो प्रॉब्लम, दिस विल बी अ सक्सेसफुल मिशन, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा उसको सोचना है। ठीक है शंकर प्रसाद जी, आपने ये पॉइंट्स सारे रखे और मैं शायद शहनवाज हुसैन साहब इस बात को सुन भी रहे होंगे और इसे लेकर भी जाएंगे आगे ताकि ऐसी चीज़ों को सॉल्व किया जाए और ये जो दिक्कतों का बात कर रहे हैं उन दिक्कतों का सामना भी आगे चल के किया जा सके। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है इसलिए मैं अब आप लोगों के पास नहीं आ पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो देखिए, अग्निपथ स्कीम सरकार लेकर आई है, इस स्कीम को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस स्कीम के मोटिव को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इससे सेना को यूथफुल बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसका कोई विरोध है तो सड़कों पर उतरकर यह आगजनी और पत्थरबाजी किसके इशारे पर की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।